वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं दोनों बाइकें और यहाँ पे धो रहे हैं हम इनको। तो गाइज ये है पूजा का सामान। तो गाइज अभी हम निकल गए हैं राइड के लिए। तो गाइज ये लगा रहे बाइक में टीका और आज है विश्वकर्मा पूजा। थोड़े थोड़े करके चल रहा है, हाँ ऊपर से दीवार लग गई है और यहाँ पे बहुत कीचड़ हो रहा है। देख सकते हो नीचे को पूरा फॉग ही फॉग हुआ है और फॉग ऐसे नीचे को जा रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है, तो इसीलिए आज हम इंजीनियरिंग के करिश्मे अपनी बाइक की आज पूजा करेंगे। बाइक को धोएंगे और उसकी पूजा करेंगे और फिर चलेंगे एक छोटी सी राइड में। तो आज का वेदर भी देख सकते हो आप कैसा हो रहा है, थोड़ा फॉगी फॉगी टाइप का हो रहा है। हम चलेंगे ऊपर साइड को, ऊपर साइड देख सकते हो आप वहाँ बहुत फॉग हो रहा है। ऊपर साइड को चलेंगे और देखते हैं, फॉग में पहाड़ों में काफ़ी तगड़ा नज़ारा आता है और दिखाएंगे हम आपको पहाड़ों के नज़ारे एकदम फॉग वाले मौसम में कैसा लगता है करके। तो गाइस हमने बाइक निकाल दी है, ये काफ़ी गंदी भी हुई थी, परसों से मैं इसको धुलाने की सोच रहा था। 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही थी, कितनी गंदी हो रही है। इसको धोएंगे और फिर इसकी पूजा करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं दोनों बाइकें और यहाँ पे धो रहे हैं हम इनको। तो गाइस ये है पूजा का सामान, देते हैं अब पंडित जी को। तो गाइस थोड़ा बाइक साफ कर लेते हैं, कपड़े से गीली हो रही है भी और बारिश के छींटे भी आ रहे, देख सकते हो धोके कैसी लगती है। तो गाइस ये लगा रहे बाइक में टीका। तो गाइस तो हमने पूजा कर ली है, ये देख सकते हो अभी बाइक की फाइनल लुक, अभी थोड़ी क्लीन भी लग रही होगी, धोई है हमने। और अभी चलते हैं हम राइड में, हमारे साथ है सचिंदा और भीम। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं राइड के लिए। ये हमारा सेम रूट है जहाँ से हम रोज जाते हैं। अभी सोच रहा मैं एक बार चौकोली जाने की,
क्या पता चौकुड़ी ना भी जाए, वहाँ से बेरीनाग भी जा सकते हैं ऊपर वाले रास्ते से। देखते हैं अभी मेन रोड में पहुँच के क्या सीन होता है। देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ और ट्रक लगी है। और आज है विश्वकर्मा पूजा और इसीलिए आज सबकी गाड़ियाँ सजी हैं और गाड़ियों की पूजा की होगी। गाड़ियों की यार कुछ आप ऐसी मशीनों की कर सकते हो। तो गाइज हम आ गए हैं मेन रोड में। तो गाइस यहाँ के रोड का काम कहाँ पे तक पहुँचा है, थोड़े थोड़े करके चल रहा है काम। ऊपर से दीवार लग गई है और यहाँ पे बहुत कीचड़ हो रहा है। पता नहीं कब तक चलते रहता है ये काम। और ये पूरे रोड में मिट्टी मिट्टी हुई है, यहीं से जो गाड़ियों के साथ मिट्टी आ रही है की वजह से हो रहा है। देख सकते हो आगे पे क्लाउड कितने नीचे आए हैं। गाइस पहाड़ों के नज़ारे। और अभी हम हैं कोऑपरेटिव में। और ये पहाड़ों के टर्न है, यहाँ की रोड बहुत नैरो हैं, जो कि ये मेन हाईवे है पिथौरागढ़ जाने का, तब भी यहाँ डबल रोड नहीं है। ओ गाइस ये गया, एक बलून फूट गया अपने आप। गाइस थोड़ा मेरा पीछे का टायर घिसा है, वो स्लिप कर रहा है अभी। मेरे को लगा पीछे पे जब मिट्टी में बाइक गई तो पीछे का टायर ऐसे बबल किया। पीछे का टायर ज़्यादा ही फिसल रहा है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। कहीं पे भी कोई भी टर्न में मैं थोड़ी भी लीन कर रहा हूँ तो पीछे का टायर एकदम से स्किट कर रहा है। थोड़े धीरे धीरे ही चलता हूँ। वहाँ देख सकते हो आप क्या व्यू है। और ये एक छोटा सा वाटरफॉल, ये वाटरफॉल भी बहुत फेमस है पीछे वाला, ये रीलों में दिख जाता है। और यहाँ से नीचे को हमारे गांव साइड का एरिया। तो गाइस हमने एंटर कर लिया है उडियारी बैंड में। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर को वाली रोड कोटमुनिया। कोटमुनिया वाली रोड हम जा रहे हैं चौकोड़ी तक। चौकोड़ी से दिखाते हैं हम पूरे नीचे का व्यू कैसा लगता है करके। चौकोड़ी से बहुत तगड़ा लगता है नीचे को। एक बार बहुत पहले गया था मैं, तब ब्लॉग नहीं बना रहा था, ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। दूसरा भी गया तो बहुत पहले गया था मैं वहाँ ऐसे ही घूमने, तो बहुत तगड़ा व्यू आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमसे नीचे हो। तो अभी चलते हैं चौकोड़ी और वहीं से दिखाता हूँ मैं आपको आगे का सीन।
और जब ये सीन टाइमलेस में देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कई वीडियो में ऐसे बादल मूव करते हुए, उसी टाइप का कुछ दिखाने जा रहे हैं हम आपको अभी। फॉग ही फॉग हुआ है और फॉग ऐसे नीचे को जा रहा है और ये आगे यहाँ पे क्या चल रहा है इनका, कहीं पे भी लगा देते हैं गाड़ी। तो गाइस फाइनली हम एंटर कर चुके हैं चौकोड़ी में और यहाँ से कुछ नीचे का व्यू ऐसा है, पूरा फॉग फॉग हो रहा है। भी देखते हैं आगे फिर से टाइम लैप्स कैसे आते हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं न्यूट्रल नीचे पे, देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ तो बहुत तेज ही कोहरा लग गया, यहाँ से तो फिर भी ठीक ही लग रहा, ऊपर पूरा बंद ही था वहाँ से। ये नीचे भी से लेते हैं शॉट, टाइम लैप में लगा देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो हम कैसी सी जगह में आए हैं, ये देख सकते हो व्यू और ये है क्लाउड। तो गाइज वो नीचे है हमारा गांव, जो टावर दिख रहा है उसके नीचे है हमारा गांव। टाइम लैप्स में दिखाता हूँ ऊपर से क्लाउड नीचे को आ रहे हैं। तो गाइज टाइम लैप बना के अभी हम चल रहे हैं घर को। तो गाइज हम अभी आए थे उडियारी बैंड के इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम खा रहे हैं चाउमीन। तो गाइज अभी हम रुके थे यहाँ पे पहाड़ी रसोई पे, यहाँ पे खाई हमने चाउमीन और अभी निकल गए हम यहाँ से घर को। यहाँ पे से चलेंगे हम न्यूट्रल तेल बचाते हुए, यहाँ से हमारे घर तक न्यूट्रल ही है। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, आगे देख सकते हो आप मौसम कैसा हो रहा है। आजकल सीजन ही बारिश वाला है इसीलिए कभी भी बारिश आ सकती है। ये है गाइस ये छोटा सा वाटरफॉल जो मैं आपको आगे दिखा रहा था। तो गाइज अभी हम आ गए हैं विश्वकर्मा की राइड में से और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं कोई ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। ओके बाय।